पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन की युद्ध के मैदान में लगातार कमर टूटती जा रही है। यूक्रेनी सेना मॉडर्न हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियार नहीं मिले तो वो युद्ध हार सकता है। हालांकि अमेरिकी संसद ने हाल ही में यूक्रेन के लिए $61 अरब का सैन्य पैकेज पास कर दिया है, जिसके तहत यूक्रेन को हथियारों की ताजा सप्लाई होनी है। ये सैन्य पैकेज महीनों से अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी ने अटकाया हुआ था, लेकिन रूस की सेना यूक्रेन के इस मिलिट्री पैकेज पर गिद्ध जैसी निगाहें गड़ा कर बैठी है। रूस की पूरी प्लानिंग है कि वो इन हथियारों की खेप को यूक्रेनी सैनिकों तक नहीं पहुंचने देगी। वो इसलिए क्योंकि अब रूसी सेना ने यूक्रेन के रेल नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इन्हीं रेल नेटवर्क के जरिए अमेरिकी हथियार यूक्रेन के भीतर पहुंच रहे हैं, जिन पर रूसी सेना घात लगाकर हमले कर रही है। और हाल ही में यूक्रेन के दोनेस्क में रूसी सेना ने हथियारों से भरी एक ट्रेन पर एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में पश्चिमी देशों द्वारा भेजे गए हथियार थे जो यूक्रेनी सैनिकों को सप्लाई किए जाने थे। और इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय का भी बयान आ गया है। दरअसल रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने रूसी सेना के हवाले से खबर दी है कि रूस ने दोनेस्क में पश्चिमी हथियारों से लदी एक ट्रेन पर बड़ा हमला किया है। इसको लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि रूसी सेना के ऑपरेशन में रणनीतिक एयरक्राफ्ट, मिसाइल सैनिकों और गोला बारूद से दोनेस्क रिपब्लिक में उड़ाशनोए की बस्ती के पास पश्चिमी हथियारों और सैन्य हार्डवेयर के साथ एक सैन्य ट्रेन को नष्ट कर दिया गया। खार्किव इलाके के बालाक्ले में एक स्टेशन पर इस ट्रेन में यूक्रेनी सेना की 67वीं ब्रिगेड हथियारों और उपकरणों को लाद रही थी, जिस पर रूसी सेना ने हमला करके तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के यूक्रेनी रेल नेटवर्क पर बढ़ते हमलों को लेकर यूक्रेन को डर सता रहा है कि पुतिन इन हमलों को आने वाली 9 मई को विक्ट्री डे के दिन एक बड़ी बढ़त के रूप में पेश कर सकते हैं। इसको लेकर एक यूक्रेनी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि रूस यूक्रेन के रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे डिलीवरी और सैन्य सप्लाई को लकवा मार जाए। चूंकि रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर ली है, रूस के ये कदम आने वाली जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना ने बढ़त हासिल की है, क्योंकि रूसी सेना के पास गोला बारूद और सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं यूक्रेन खुद मान रहा है कि आने वाले हफ्तों में उसके लिए लड़ाई बेहद ही कठिन हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी सेना पूर्वी दोनेस्क के रणनीतिक गांव चासीवियार पर कब्जा करना चाहती है, ताकि आने वाली 9 मई को विक्ट्री डे से पहले पुतिन इसे बड़ी जीत के रूप में पेश कर सकें।